जयंती, नृसिंह जयंती, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। इस दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का जन्म ऋषि अवतार हुआ था, ऋषि जयंती आज। और जैसा आप जानते हैं, गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने हमारे साहित्य में जगह जगह पर भगवान ऋषि के अवतार का वर्णन किया है, भक्त प्रहलाद का वर्णन किया है। और शायद वजह यह है कि जो साम्य है कल्कि भगवान के अवतार में और ऋषि भगवान के अवतार में, कलयुग में और हिरण्यकश्यप में और कल्कि मंडल में भक्त प्रहलाद में, जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने लिखा, जो आज समय के जो गुरुओं के वर्णन में जो उन्होंने लिखा, कोई कहे हम करता धरता हम सद्गुरु भगवाना, हिरण्याकश्यप की तरह कड़े काम फकत बहकाना, बड़े संत की यारे कल्कि के गुण गाए। तो जिस प्रकार हिरण्याकश्यप ने किया था, हिरण्याकश्यप ने अपने आप को भगवान का भगवान बताकर अपनी प्रजाओं को ये पर बलपूर्वक ये आग्रह किया था कि मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा की जाए, इसी प्रकार आजकल के जो गुरु होते हैं कहते हैं, कोई कहे हम करता धरता हम सद्गुरु भगवाना, हिरण्याकश्यप की तरह खड़े हैं काम फकत बहकाना, भक्ति को निष्फल बतलावें अपनी महिमा गावें, डांट डांट कर ध्वंस जमावे और औसान डिगावे, गुरु गिरी की चाह नचावे हरि से विमुख बनाए, बन बैठे भगवान बीच में अपना ठाट रचाए। तो ऐसे आजकल के जो गुरु हैं आपको दिखते हैं, जो समय समय पर इनका आता रहता है, तो ऐसे समय में जिस प्रकार ऋषि भगवान का अवतार हुआ था अचानक हम उफाड़ कर, इसी प्रकार गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं कल्कि भगवान के अवतार के बारे में, अंधाधुंध दांदली निहार कली युगियन की, अब की आय फेर कल्कि रूप दर धमक के हैं, भयो अचंबा बीच खंबा से प्रकट भय, नरहरि स्वरूप यही कल्कि कड़क के हैं। तो जिस समय अंधाधुंध दांदली निहार कली युगियन की, अर्थात कलयुग ने अपनी मर्यादा का लांघन करके लाखों वर्ष आगे निकल गया, जिसकी वजह से हमारे ऋषि मुनि पंडित ब्राह्मण लोग धोखे में रह गए कि अभी तो 4,32,000 वर्ष पड़े हैं और कलयुग सिर्फ 5,000 वर्ष में, कलयुग में जो कर दिया जो 4,32,000 में शायद नहीं करना था। तो इसलिए जो रामकृष्ण परमदेव का जो जन्म हुआ कलयुग उस समय की राजधानी में कलकत्ता में, जैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ रामकृष्ण परमदेव का आगमन भी वहाँ पर हुआ, और उन्होंने जब देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों की वजह से जो जिस प्रकार धर्म का नाश हो रहा है, और उन्होंने एक अलग ही जो तरीका निकाला अंग्रेजों ने कि आप लोगों से, मुसलमानों ने बलपूर्वक जनोई उतारना चाहा तो लोगों ने अपनी गर्दन कटवा दी पर जनोई नहीं उतारी, अंग्रेजों ने हमको हिंदू धर्म से घृणा दिलवाई और ये समझ में हमारी समझ में ये लिया कहा कि ब्राह्मण लोगों ने हमेशा लोगों का शोषण किया और हिंदू धर्म में हम कमियां देखी जिसकी वजह से लोगों ने धर्म का पालन करना बंद कर दिया। और उस समय जो युवा पीढ़ी में जो देखा रामकृष्ण परमदेव ने अंग्रेजी शिक्षा की वजह से, तो जैसा कि गुरु लक्ष्मीनारायण ने लिखा कि रामकृष्ण परमदेव ने अपनी समाधि में से जागृत होते हुए जो कहा, कलि शेषे कल्कि अवतार हवे से ब्राह्मण छेले से और किच्छु जाने ना, अच्छा अठा गुडार दरबार आशी वे। और उसी समय भगवान महाविष्णु ने बालमुकुंद जी को स्वप्न में अपने आने का अपनी लीला का उनको दर्शन करवाया और सतयुग सहित उनके प्रकट करने के लिए प्रचार करने के लिए आदेश दिए। तो गुरु लक्ष्मण जी लिखते हैं, बाल गुरु बाल मुकुंद लखाए अब हरि कल्कि बन आए शरणागत। और फिर गुरु लक्ष्मण जी ने जो जगह जगह जो ये साम्य का वर्णन किया है कल्कि मंडल में और भगवान प्रहलाद जी के अवतार, और जगह जगह पर उन्होंने प्रहलाद जी की तरफ भक्ति करने का जो हमको आह्वान दी किया, लिखा ये प्राचीन ध्रुव प्रहलाद का प्यारा धर्म ही नारायण के अत्यंत प्रिय है, उनका ही अपना धर्म है, उनका ही अपना देश है जहाँ उसमें स्वयं अवतार लेकर आते हैं। फिर एक जगह जो उन्होंने प्रहलाद जी की भक्ति के बारे में लिखा, इस जन्म की भक्ति अनेक जन्मों की भक्ति का फल होती है, इसलिए भगवान की भक्ति को औलाद से भी ज़्यादा प्रेम से सुरक्षित रखना चाहिए। ये कल्कि भगवान ही थे जिन्होंने अपने पहले जन्मों में ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश हनुमान मीरा सबरी आदि को अपनी भक्ति की अमर करने वाली धारा में बहा दिया।
जिन्होंने अपने पहले जन्म में ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, हनुमान, सबरी, मीरा आदि को अपनी भक्ति की अमर आपको अपना नजदीकी बना लें।